ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नू देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से इस स्पेशल शो माई कॉलेज शो के जरिए हमारी कोशिश होती है आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ जोड़ के रखना ताकि आप एक बेहतर डिसीजन अपने भविष्य को लेके बना सकें। सो आज की जो इंस्टीट्यूट हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो है ऑस्ट्रेलिया से। द नेम इज फेडरेशन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इट्स वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड इन मेलबर्न ऑल्सो मेन कैंपस। सो डेफिनेटली बच्चे का बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो इसमें जाने के बेनिफिट क्या हैं और कहाँ कहाँ इसके कैंपसेस हैं जो आप पढ़ने जा सकते हो, मैं बताना चाहूँगा। मेलबर्न जैसे मैंने बताया था कि इसका मेन प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हो। देन बलार्ट बर्विक में इसका कैंपस है। देन गिप्सलैंड में भी एक कैंपस इनका है। यूनिवर्सिटी इज़ वेरी रिनोन्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, वेदर इट्स रिलेटेड टू नर्सिंग, इट्स बिजनेस, इंजीनियरिंग, IT, healthcare. So all those courses that you're looking to do, whether it's a master's or undergraduate courses. So दोनों तरह के programs यहाँ पर available रहते हैं। Engineering में भी अलग अलग तरह की fields हैं, mechanical, civil engineering and all that is provided. Admission requirement की बात करें तो I think one of the सबसे nominal fee structure के साथ साथ plus इसकी जो admission requirements हैं। So overall जो आपकी requirement रहेगी that would be a 60% in 10+2 और ग्रेजुएशन। एंड गैप जो है डेफिनेटली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा सक्सेस रेट के हिसाब से +2 के ऊपर 2 साल से ज्यादा ना हो। ग्रेजुएशन का 4 से 5 साल तक का गैप जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल है। आइल्स की बात करें तो 6 ओवरऑल एंड 5.5 इन ईच मॉड्यूल्स, अप टू 2 मॉड्यूल्स प्रेफरेबली एक्सेप्ट हो जाता है। आइल्स जो मास्टर्स के लिए चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। सो दैट बिकम 6.5 विद 6 इन ईच मॉड्यूल। सिमिलरली आपका पीटी का भी वैल्यूएटिंग स्कोर आपके पास होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस टाइम एंड पर्टिकुलरली इन कोविड सिनेरियो। सो जो आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा पर सेमेस्टर का दैट विल बी बिलो 10,000। मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज में जो फी स्ट्रक्चर है वो 10,000 या उससे अबव 12,000 तक जाता है। यहाँ पर वो तकरीबन 10,000 या उससे कम ही रहेगा बिकॉज स्कॉलरशिप्स भी इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी इस समय प्रोवाइड की जा रही है। Similarly for master's program, the fee structure almost remains same. अराउंड 10,000 11,000 के आसपास आपका पर सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर यहाँ पे रह सकता है। मास्टर्स 2 साल की रहेंगी, ग्रेजुएशन इज ऑफ 3 इयर्स एंड स्कॉलरशिप बेनिफिट्स आपको अलग से इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड होंगे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल एंड ऑल दैट। सो अगर आप राइट असेसमेंट अपने प्रोफाइल की करवाना चाहते हैं और टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि ब्रॉडवे से आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई पैसा पहले स्पेंड किए। एम्बेसी फ़ी, आपका इंश्योरेंस, everything will be paid by the Broadway and you can pay us after visa. So this will be a pay after visa option in all Australian good institutes. So आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्त। जो दोस्त Broadway Immigration की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नू देवेगा हकीकत दी उड़ान।